बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। तो शहाना से 1573.72 मिलियन का माली फायदा हासिल किया गया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की गई। तो शहाना तहाइफ केस का 23 सफा पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बुशरा बीबी ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफे में वसूल किया, जो तो शहाना में रिपोर्ट तो हुआ ताहम जमा नहीं करवाया गया। फैसले में मजीद कहा गया कि तोहफे की कीमत का तायुन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बुशरा बीबी ने असर और रसूख इस्तेमाल किया। सेट 90 लाख रुपए में हासिल किया गया, जबकि असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ से जायद थी। तोहफे की कीमत का तायुन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर कीमत कम लगाई। इसलिए में कहा गया कि तफ्तीश के दौरान बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को नैब ने 5 नोटिसेस भेजे। नोटिस के जरिए कीमत के तायुन के लिए ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया, लेकिन दोनों तोहफे नहीं लाए। फैसले में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सजा सुनाते हुए कहा गया है कि जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तसव्वुर किया जाएगा।